बाय ऑल व्यूअर्स एंड सबका। चलिए 20x30 का नया प्लान हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जो करते हैं ना उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो 20 फीट x 30 फीट तो इसमें है देखिए 600 स्क्वायर फीट। ओके, तो 600 स्क्वायर फीट में आपको 3-बेडरूम हाउस प्लान मिलेगा। तो आप पहले से इस ड्राइंग को स्किप मत कीजिए, आपको देखिए तो 3-बेडरूम में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है आपको अच्छा सा एक ड्राइंग देने के लिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, चलिए हम पहले हम 20 का जो लाइन है उसका हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 30 का जो लाइन है उसका हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना तक, उसके बाद इधर भी हम ऐसे करेंगे। ठीक है, 20x30 में जो होता है देखिए कैसे करना है, इंजीनियरिंग का कुछ मेथड है इसमें। देखिए हम ऐसे करेंगे तो उसको अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम इधर भी एक करेंगे लाइन ड्रॉ, तो 20x30 हो गया। ठीक है, तो 20 फीट इस डायरेक्शन में और 30 फीट इस डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद 20x30 आज हो जाने के बाद यहाँ पर हम करेंगे कुछ वॉल के बारे में, कुछ वॉल ड्रॉ करेंगे जो वॉल हमको चाहिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए ड्राइंग को, वॉल हमने ड्रॉ कर दिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट वॉल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वॉल हम ड्रॉ करते हैं, देखिए अच्छे से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इधर से इधर हम ड्रॉ करते हैं उसको, ये देखिए ड्रॉ हो गया। उसके बाद जो बात है इधर एक काम है, देखिए इसको ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। पहले इधर से हम इसको सेंटर से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटर लाइन हो गया, थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे, उसके बाद इधर से हम इधर तक आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे इधर से इधर तक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम इधर से क्या करेंगे, इधर से आएंगे थोड़ा सा इधर। ओके, और थोड़ा सा इधर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें अभी भी थोड़ा सा लाइन आउट हो गया है। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करेंगे ऐसे। तो थोड़ा सा इधर से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इधर और इधर। ओके, इधर इधर, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इधर और थोड़ा सा इधर से हम काप देंगे तो उसको ऐसे आ जाएगा। इधर भी हम ऐसे करेंगे तो इधर ऐसे आ जाएगा। तो देखिए पहले मैंने ड्राइंग कर दिया है और थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको तो और भी आपको अच्छा लगेगा देखने में। हो गया, नेक्स्ट जो है हम इधर एक ऐसे रूम का डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, हो गया, नेक्स्ट इसमें हम इधर लेकर आएंगे ऐसे इतना तक। ओके, ये रहा से ये रहा, इसके बाद ये और ये। ठीक है, इसके बाद हम इधर से इधर आएंगे, इधर इधर हो गया। उसके बाद इधर हम ऐसे ले आएंगे, इधर से एक वॉल, इधर एक वॉल, इधर एक वॉल। ओके, वॉल हो गया। उसके बाद हम इधर से जो हमारे स्टेयर का पार्ट है हम इधर रखेंगे, उसके बाद इधर रखेंगे। देखिए स्टेयर यहाँ पर कर दिया है, तो स्टेयर का ट्रेड राइजर यहाँ पर हम रखेंगे ऐसे, तो आप भी रख सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, सेंटर में ऐसे रखेंगे, इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे। ठीक है, तो बात जो है ना इसमें मैंने इसे कर दिया है, तो इसके बाद जो हमको करना है लाइन के थ्रू इधर हम जो रखेंगे जगह, देखिए थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे इधर, तो
इसके बाद इसके भी इधर करना है, इधर से भी इधर रखना है, ओके। इसके बाद इधर से इधर रखना है, इधर से भी इधर हद तक रखेंगे, ठीक है। इधर एक, इधर देखिए, ये सब इंटरनल वॉल है, 5 इंच का वॉल, इंटरनल आउटर जो वॉल होता है, तो इसमें हमने ये भी रखा है, इसमें देखें। तो हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे से करके आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ऐसे हम लोग करते हैं, ओके, हो गया हमारा पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हो जाने के बाद इधर हम तो कुछ दिखाने का आपको चाहिए जो है डोर, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे डोर होता है, कौन सा डायरेक्शन में ओपन होता है डोर, ठीक है। तो इधर तो हम एक आर्च रखेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर भी डोर रखेंगे, यहाँ पर भी सेंटर में ओपन रखेंगे, ओके। तो हो गया। उसके बाद वेंटिलेशन अगर है तो वेंटिलेशन हम रखेंगे, नहीं है तो वेंटिलेशन नहीं रखेंगे। देखिए ये जो वेंटिलेशन है ये ऑप्शनल है, ठीक है। हम एक ही बात आपसे हर बार कहते हैं, जो ये वेंटिलेशन है ऑप्शनल है, ऑप्शनल वेंटिलेशन, ज़रूरत है तो प्रोवाइड कीजिए, ज़रूरत नहीं तो प्रोवाइड मत कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आपको आप मिलेगा, ओके, एंट्रेंस ENT एंट्रेंस, यहाँ पर गेट मेन गेट रहेगा, यहाँ पर जो है आने के बाद गेस्ट या बेड रूम, ओके, गेस्ट और बेडरूम, ओके। तो इसमें क्या है, गेस्ट और बेडरूम रखने से क्या होगा, आपका कुछ फायदा तो मिलेगा, 8 फीट और 8 फीट 4 इंच, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इधर एक ड्राइंग, एक डाइनिंग रख सकते हैं, ड्राइंग और डाइनिंग। इससे कितना डिस्टेंस है, 9 फीट 7 इंच इधर है, इधर 10 फीट, ओके, डिस्टेंस है। यहाँ पर किचन, ओपन किचन, ओपन किचन जो है 5 फीट 9 इंच और 5 फीट 7 इंच। स्टेयर आप इधर से आएगा तो 3 फीट इधर, 3 फीट इधर और 3 फीट इधर, ऐसे करके आप इसको लेकर जाइए तो आपका स्टेयर का जगह मिल जाएगा। तो इसका डिस्टेंस 4 फीट 5 इंच, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर एक डोर, देखिए फर्स्ट एक बेडरूम के टाइप का हो गया, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम। तो 9 फीट 7 इंच और इधर 10 फीट, इधर जो बेडरूम है 9 फीट 2 इंच, इधर जो है 10 फीट। डोर, डोर यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर टॉयलेट या बाथ भी आप इसके साथ रख सकते हैं, बाथ आपको रखना है तो डिस्टेंस कितना है 4 फीट 9 इंच और इधर जो है 4 फीट, इधर जो है 4 फीट, इधर 4 फीट। तो मैंने छोटा सा रखा है, इसका दो घर के साथ दो अटैच, ठीक है। और एक बात, गेस्ट रूम यहाँ पर है तो इसका तो कुछ चाहिए ना, कहाँ पर देना है। देखिए आप अगर इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे तो स्टेयर के नीचे आप वेट कर सकते हैं, एक छोटा सा टॉयलेट या वॉशरूम, ठीक है। स्टेयर के नीचे आप टॉयलेट और या जो भी छोटा सा रूम है आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से रखना है, तो इसके साथ जो रखना है उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ आपका जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे हम रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, एक कॉलम, ओके। यहाँ पर हमको कॉलम देना चाहिए तो हम ऐसे कॉलम प्रोवाइड करेंगे,
कॉलम आप देखिए अच्छे से, कॉलम को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर्स कॉलम, 600 स्क्वायर फीट में। तो इसका बिल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा देखिए, बिल्डिंग कॉस्ट घर बनाने का खर्चा कितना होगा, बिल्डिंग कॉस्ट 10 to 15 lakhs आपका कॉस्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर, आप किस टाइप का घर बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ आपको डालेंगे, कौन सा जो मैं इसका जो प्राइस है अप डाउन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर एंड करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना।